हेलो दोस्तों, तो क्लास टेंथ का प्रश्नावली 2.2 का हमने कल क्या किया था आप लोगों को, क्या क्या वन और टू क्वेश्चन नंबर वन का वन और टू मैंने पढ़ा दिया था। अब मैंने पढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया है आपका, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो हम देखिए इसको हल कीजिए। हल इसको क्या लिखेंगे देखिए, 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको पहले देखिए आपका लिखा है 6² माइनस 3, हमने 3 को यहाँ पर रख दिया हो। देखिए क्योंकि सी देखिए हमको क्या करना है, इसको ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। किसमें, इसमें। तो हमने क्या किया, इसके फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद देखिए 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 36 18, यानी जब 18 हो जाएगा तो देखिए हम ऐसा गुणा करें कि 18 भी हो जाए और माइनस करें तो 7 आ जाए या प्लस करें तो 7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे देखिए देखिए क्या करेंगे, 9 × 2 = 18, क्या 9 × 2 = 18। हम देखिए 9 में से यदि 2 घटा देंगे, क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, कितना होगा 7। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका इसको हम गुणनखंड करेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, 6x² माइनस माइनस देखिए क्या लिखेंगे, 9x प्लस 2x माइनस 3। क्योंकि देखिए यहाँ प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्लस लिखेंगे तभी दोनों देखिए पोस्टर में जब आता है तभी भी माइनस होता है प्लस होता है। मैं अभी देखिए आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए देखिए क्या लिखेंगे इसमें, 3x कॉमन ले लेंगे, 2x देखिए 3 × 3 = 6, मानो एक्स में एक्स का स्क्वायर। तो देखिए माइनस जो 3 कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब 3 हो जाएगा इस पोस्टर बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 × 3 = 9, तो प्लस 1 कर लेंगे 2x माइनस 3। तो हमने क्या किया था, यहाँ प्लस इसलिए किया था कि पोस्टक में भी मान लीजिए यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाए। यदि हम यहाँ माइनस कर देते तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, तो यहाँ पे प्लस आता तो आपका गलत हो जाता, इसलिए हमने बीच में प्लस लिख दिया। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, हो गया 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 3 आया क्या होगा, देखिए 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपॉन 2, यही होगा ना। तो आप लोग का शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य किसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका शून्य होगा आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x का शून्य, शून्य कितना होगा देखिए, x बराबर माइनस 1 माइनस 2x बराबर माइनस माइनस 1 अपॉन 3, मान लीजिए माइनस 1 अपॉन 3 दिया है, और दूसरा हो जाएगा 3 / 2, देखिए यहाँ पे 3 / 2, यह आपका शून्य हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र लगाएंगे, शून्यकों का योग इक्वल टू सूत्र आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का गुणांक गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे देखिए, अल्फा यानी माइनस 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू माइनस बी आपका क्या है, माइनस 3 माइनस पोस्टक में माइनस 3, ए आपका क्या है 6 है। देखिए अरे यहाँ पे नहीं नहीं गलत हो गया, 3/2 है। देखिए 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 और
देखिए 6 होगा तो देखिए 3 2 जा 6 तो 3 1 जा 3 माइनस 3। उसके बाद देखिए 2 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना होगा देखिए, अच्छा 2 बार में यहां पे 2 रहेगा 2, यानी देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 का किस में इनटू करेंगे 1 में, उसका 2 का देखिए 2 ये कितने इस 2 का भाग देंगे इसमें तो 3 बार में जाएगा, उसके बाद 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना होगा 9 होगा, 3 3 जा 9। तो देखिए जब 9 का 2 में माइनस कर देंगे, 9 को 2 से माइनस कर देंगे तो कितना होगा देखिए इक्वल टू ये हो जाएगा 3/6, कितना होगा 3/6 क्योंकि माइनस से माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, ये आपका होगा कितना दिया है यार, अरे यार यहाँ पे भी देखिए -7 दिया है, यहाँ पे 7 माइनस 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 ये 7 हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, देखिए मैंने सी को यहाँ पे लिख दिया था क्योंकि 7x है तो माइनस एक्स का गुणांक होता है तो क्या होगा 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, माइनस बी के स्थान पर बी आपका इसमें क्या है बी आपका 7 है। तो देखिए 9 में से 2 जा 7 क्योंकि देखिए छोटी संख्या माइनस है इसलिए, बड़ी संख्या प्लस है इसलिए बड़ी संख्या ही ली जाती है, तो 7/6 = 7/6। तो ये सत्यता की जांच हमने कर ली क्योंकि देखिए यह सही है, यदि दोनों इक्वल आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि सवाल एकदम सही है। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, अल्फा क्या दिया है माइनस 1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू सी आपका क्या दिया है, सी आपका -3 दिया है और ए आपका 6 है, ए आपका 6 है तो हम 6 लिख लेंगे। देखिए -3/6 = -3/6 तो आपका यही आंसर होगा। देखिए सत्यता की जांच हमने कर ली, आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया है आप लोगों को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि वीडियो हमारा पाने के लिए एक एक वीडियो पाएंगे, एक एक प्रश्नावली का हर क्वेश्चन उदाहरण सहित मिलेगा आपको हमारे वीडियो में, हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज हर एक चीज मिलेगी। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सबसे ज़्यादा आपको ये लाभ होगा कि सबसे ज़्यादा आपको ट्रिक मिलेगा, क्या मिलेगा ट्रिक मिलेगा। तो देखिए चौथा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है, 4u² + 8u = 0 यहाँ पे हल मान लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 4u कॉमन ले लेंगे, u प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे देखिए, आप लिखेंगे 4u = 0 यहाँ लिखेंगे u + 2 = 0। इसको हम देखिए u = कितना लिखेंगे 4 - 4 और इसको हम क्या लिखेंगे देखिए u = -2 क्या लिखेंगे -2। तो इसको हम कैसे हल करेंगे देखिए, ये माइनस नहीं प्लस में 4 रहेगा, इसको हम देखिए क्या करते हैं, देखिए 4u² + 8u का ये क्या हो जाएगा शून्य कितना होगा शून्य हो जाएगा 4 - 2। इसको हम क्या करेंगे सत्यता की जांच करने के लिए, शून्यकों का योग
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए अल्फा का जीरो हो जाएगा प्लस बीटा का माइनस टू होगा इक्वल टू माइनस बी है। देखिए हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एट दिया है तो देखिए माइनस बी है तो माइनस एट हो जाएगा, उसके बाद अपान में फोर होगा, जब हम इसको काट देंगे तो माइनस टू स्क्वायर टू माइनस टू, ये आपका क्या हो जाएगा शून्यकों का योग यानी सत्यत्य की जांच। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा सी बाई ए शून्य x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, सूत्र आपको याद होगा। तो देखिए अल्फा का क्या हो जाएगा जीरो इंटू बीटा आपका क्या होगा माइनस टू इक्वल टू सी आपका जीरो ए और फोर है। देखिए जीरो का इसमें इंटू करेंगे तो जीरो होगा और जीरो का इसमें जब बट्टा में रहेगा जीरो अपन फोर तो फोर से जीरो भाग नहीं जाएगा जीरो ही रहेगा। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर वन का प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर वन का चौथा फिनिश हो गया। आप चलते हैं पांचवे पे, पांचवा आपका क्या दे रखा है देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।